साहित्य संगीत संसद में आज हमारे बीच में है तमन्ना। दूसरी बार हमारे साहित्य संगीत संसद की शोभा बढ़ाने के लिए आप आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है तमन्ना। साहित्य संगीत संसद आपके लिए दुआ करता है, आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं, सफलता के आसमान में जाएं, सितारों की दुनिया में जाएं। इन तमाम दुआ के साथ मैं चाहूंगा एक गायिका अपना परिचय गला से, साधना से, अपने गीत से के में जो उनका समर्पण होता है इससे देती है। तो आरंभ करते हैं हम और हमारे श्रोताओं को, सुनने वालों को, तमन्ना को ध्यान से सुनेंगे और अपेक्षा हम करते हैं कि आपको ना केवल इसके गीत पसंद आएंगे बरनी इसकी साधना भी आपको बहुत बहुत भाएगी। तमन्ना, मैं आप लोगों के बीच लता मंगेशकर जी का सॉन्ग गाने जा रही हूँ। लता जी का जी, क्या बात है जी। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं बीते बातों का कुछ ख्याल करो, कुछ तो बोलो, कुछ हमसे बात करो, राज दिल में तुम्हें बसा दूंगी, मैं तुम्हारी हूँ मान जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। वाह, क्या बात। सचमुच ना तो इस गीत को बोला भूला जा सकता है, फिल्म पगला कही का और फिर इस फिल्म के गीत को, ना गीत को भूला जा सकता है, ना गीत की गायिका को, और ना ही जिस आवाज में आप गाई हैं यह भी भुलाने योग्य आवाज नहीं है। और मुझे लगता है जो भी सुनेंगे ना धीरे धीरे साथ साथ गुनगुनाने लगेंगे। तमन्ना, आपके इस स्वर का राज अगर आपसे कोई पूछे, सुनते हैं लता जी के गले का राज स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन चलिए फिर भी साहस करते हैं तमन्ना के इस सुरीले स्वर का, ये कोयल की कूक की राज कुछ है जो तमन्ना जानती हो? है जी। तो बताइए हमारे श्रोताओं को। मेरा अभ्यास रहता है सर इसलिए। वो यानी इसका राज है रियाज, यानी निरंतर रियाज, क्या बात है। यानी अभ्यास से तमन्ना ने अपने इस आवाज को विशेष रूप से निखारा है, परमात्मा करे इसे और ऊंचाई मिले। तमन्ना को इन चीजों के लिए प्रेरणा विशेष रूप से किससे मिलती है? प्रेरणा और सहयोग दोनों किन से प्राप्त हो? जी, मम्मी से प्रेरणा मिलता है और सहयोग। आप यहाँ अभी साहित्य संगीत संसद में किन के साथ आई हैं? अपने गार्जियन के साथ। अच्छा, आप अपने अभिभावक के साथ आई हैं। मैं उनको बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपको इस संसद में ला करके उन्होंने इसमें सम्मिलित होने का एक अवसर प्रदान किया, मुझे भी और आपको भी। अपनी मम्मी को आप बहुत प्रेरणा स्रोत मानती हैं? जी। अच्छा, माँ बेटी मिलकर के गीत गाती हैं कभी? जी जी। अच्छा, गाती हैं, तो कौन सा गीत ऐसा जो हमारे श्रोताओं को बताएंगे जिसमें माँ और बेटी? तो मैं चाहूंगा एक बार कि इस संसद में अपनी माँ से कहिएगा कि संसद ने आमंत्रण दिया है, क्या माँ बेटी दोनों एक बार उपस्थित हो सकते हैं? खैर ये मेरा तो बात का विषय, लेकिन मम्मी के साथ जो घर पे गाती होंगी आप, उस गीत में से कोई सुनाइए एक, या कोई भी सुनाइए जो आपकी पसंद का। जी, सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे
वास्ते सब छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। वाह क्या बात है। तमन्ना को सोशल मीडिया से कनेक्टेड है? सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप फेसबुक पे पेज पे है। अच्छा जी, जिस पे तमन्ना का सॉन्ग अगर कोई सुनना पसंद करेंगे तो, अगर मान लेते हैं कि तमन्ना को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे श्रोताओं को साझा करें जिससे कि तमन्ना के सॉन्ग जिसमें हो। जी मेरा आईडी है तमन्ना कुमारी के नाम से, तमन्ना कुमारी के नाम से आईडी है जिसे कि आप सुन सकते हैं। अच्छा जी, एक गाना से काफी एक गायिका प्रसिद्ध हुई थी, लता दीदी का ही गीत है जिसे काफी प्रसिद्धि मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, वायरल, जिसका आज एक शब्द आजकल ये बहुत चर्चित शब्द है, अपने क्षेत्र में भी काफी चर्चा में आ गया है, वायरल सिंगर में रानू मंडल का आप नाम सुने होंगे। जी 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 जी, तो हिमेश रेशमिया के साथ लता जी का एक गीत उनको गाई थी, जिंदगी प्यार का कहते है ना, तो थोड़ा सा आप पसंद, चूंकि आपकी पसंदीदा है लता जी। जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है हंस के उससे पार जाना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपसे एक सवाल हम पूछें कि बॉलीवुड में वर्तमान में जिससे आप मिलना पसंद करेंगे, देखिए सवाल का बड़ा रहस्य है, मैंने इस संसद में किसी से पूछा था और जिससे पूछा था उससे जिसने उत्तर दिया कि मैं उससे मिलना पसंद करूंगा, संयोग से मिल लिया। जी जी ठीक है, तो मैं आपसे अगर आपसे पूछूं कि साहित्य संगीत संसद के माध्यम से मैं पूछ रहा हूं कि तमन्ना को अगर मिलने की चाहत हो, एक व्यक्ति से भगवान आए और कहें कि तुम बताओ कि एक वरदान मांगो मिलने वाली, माधुरी दीक्षित। किसे? माधुरी दीक्षित से। वाह क्या बात है, माधुरी दीक्षित होंगी, क्या बात, माधुरी दीक्षित तमन्ना मिलेगी तो मुश्किल है, मिलोगी तो सारे ख्याल जितना तुम प्रश्न लेकर के जाओगे मिलते भूल जाओगे, लेकिन फिर भी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो माधुरी दीक्षित से क्या पूछोगी मिलने के बाद, कुछ है जो माधुरी दीक्षित से जानना चाहोगी, क्यों माधुरी दीक्षित से मिलना पसंद करोगी? सर उनका हर फिल्म मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, फिल्म यानी एक अभिनेता अभिनेत्री के रूप में उनकी अदाकारी जी बहुत आपको पसंद आती है, इसलिए आप लेते हैं उनकी कोई फिल्म जिसको आप, जो आप ऐसे तो आप बता रही हर फिल्म अच्छा लगता है उनका, तो कोई फिल्म बता सकती हैं जिसको आप देखी हैं माधुरी दीक्षित की? सर देखे तो है लेकिन नहीं। अच्छा, स्मरण में नहीं है, ढेर सारी फिल्म है जो आपने देखा है लेकिन उनको, यानी कहने का अभिप्राय की फिल्म में और माधुरी दीक्षित में इतना खो जाती है कि फिल्म का नाम को ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है। चलिए बहुत बहुत अच्छा है। लता मंगेशकर जी की कोई और गीत? एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। वाह क्या बात है, क्या नगमा है। इच्छा लता जी के नगमे को जब आप अपने लबों पे लाती हैं और वो जब बाहर निकलता है तो सुनने वाले को अगर तमन्ना सामने ना नजर आए तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा हम लोगों की तरह सामान्य व्यक्ति, जो बहुत बड़े विश्लेषक नहीं है, सामान्य रूप से गाना को सुनते हैं, उनको केवल अगर स्वर सुनाई दे तो लगेगा लता जी ही कहीं गा रही हैं इसे। मैंने कहा सामान्य लोगों को, बड़े लोग तो अंतर स्थापित कर लेते हैं, अच्छा हुआ है कि बड़ा मैं नहीं हूं,
नहीं तो बहुत सारा अंतर स्थापित कर लेता। एक फिल्म आई थी प्रेम रोग, ऋषि कपूर की, और उसका एक गीत लता जी की आया। मैं गीत बोलूं? गीत है ये गलियां ये चौवारा। क्या है कवि जी? जी अच्छा, आप पसंद कर दी इस गीत को, तो सुना दीजिए हमारे श्रोताओं को। ये गलियां ये चौवारा यहाँ ना ना दोबारा, ये गलियां ये चौवारा यहाँ ना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। ले जा रंग बिरंगे आदे हंसने रोने के बुनियादे, अब हम तो भये परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। वाह क्या बात है, बहुत बहुत परमात्मा आपको असीम आशीर्वाद दें, आपका आपकी साधना से आपको हर ऊंचाई प्राप्त हो जिसको कभी कभी सपने में आपने जी देखा हो। अभी मैंने पूछा था कि आप अगर अभी किसी से मिलना पसंद करेंगी तो आपने कहा माधुरी दीक्षित को, और अगर ऐसा संभव हो किसी तरीके से कि पीछे को अतीत को आगे लाया जा सकता है, वर्तमान में लाया जा सकता है, तो अतीत की किसी गायक या गायिका, मुझे लगता है निश्चित रूप से आप लता जी से जी तो लता जी से मिलना पसंद करेंगे। और लता जी से क्या पूछना पसंद करेंगी? साहब तो रही नहीं वो, अब नहीं है, तो अगर मिल गई तो मैंने कहा अतीत को पीछे से लाया जाए कहीं धोखा से, अब नहीं है लेकिन कहीं मान लीजिए कि स्वप्न में मिल गए, मुलाकात हो गई जी, तो क्या पूछेंगे? तो यही पूछेंगे कि इनका इतना अच्छा गला कैसे, कहां से गला गई ना, तो वही भी यही कहेंगे कि निरंतर रियाज करते करते आ गया, ऐसा लगता है यही बोलेंगी। और आप रियाज करते करते हमारे श्रोताओं को आप अपनी, पहले तो मैं चाहूंगा कि साहित्य संगीत संसद में आप यूं ही समय कभी कभी मिले, शनिवार ये साहित्य संगीत संसद है, आप आए और हमारे श्रोताओं को अपनी पसंद का कोई एक और गीत सुनाएं, और इसके साथ हमारे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, और साथ साथ दुआ करता हूं बहुत बहुत ऊंचाई तक जाए, और मेरा विश्वास है आप एक दिन काफी ऊंचाई तक पहुंचेंगे, उतना ऊंचाई तक पहुंचेंगे कि हम लोग यहां से देखेंगे ना तो बड़ी छोटी छोटी नजर आएंगी तारों की तरह, अथवा नजर ही नहीं आएंगी, है ना, लेकिन ईश्वर करे आप वहां तक। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। चलिए बहुत, और इस वादे के साथ कि बहुत बहुत याद करते हैं हम तुमको साहित्य संगीत संसद में, बहुत बहुत आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।